करेंगे कि हाउ टू फील गुड, हाउ टू फील हैप्पी, स्पेशली जब चीज़ें अच्छी नहीं हो रही लाइफ में, जब मुश्किलें हैं, जब चैलेंजेस हैं, जब यू नो हार्ड टाइम चल रहा है, स्पेशली तब. बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत होता है, इवन मुझे भी होता था कि अच्छा फील कैसे करें जब चीज़ें ही हमारे फेवर में नहीं है, जब कोई हमसे यू नो ब्रेकअप करके चला गया, या हम किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, या हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है इस वक्त, तो उस वक्त अच्छा फील हो ही कैसे सकता है, कैसे अच्छा फील करें. ये चीज़ ये ना ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और यही चीज़ लोगों को, इवन मुझे भी ये चीज़ पहले एक यू नो बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए भी कि हाउ टू फील गुड. सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि देखिए हमारी एक लाइफ है, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स वो चलते ही रहेंगे. अच्छा टाइम, बुरा टाइम, या चैलेंज, या यू नो ईजीनेस, जो भी आप बोलो, सक्सेस, फेलियर, तो ये सब आता ही रहेगा. ठीक है, अब कभी कभी रोना आता है, गुस्सा आता है, दुख होता है, तो वो सारी इमोशंस, वो वी आर बाउंड टू फील दैट इमोशंस एज अ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन, ट्रस्ट मी. अगर आपको रोना आ रहा है, आप रो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, आपको सवाल है बहुत सारे, आपको लोनलीनेस फील होता है, जो भी है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. हम कोई मशीन नहीं है ना कि एक प्रोग्रामिंग कर दे कि अब यही फील होगा और कुछ नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो अगर इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बहुत ही यू नो लो फील कर रहे हैं, या उनको रोना आ रहा है, या उनको कुछ भी ऐसा इमोशन फील हो रहा है दैट इज़ नॉट यू नो पॉजिटिव नहीं है, जो बहुत ऐसा फील हो रहा है ना, तो डोंट वरी, इट्स नॉर्मल. लेकिन जब ये इमोशंस हावी होते हैं ना हमारे ऊपर, दैट्स द प्रॉब्लम. तभी लोग डिप्रेशन में जाते हैं ना. डिप्रेशन मीन्स क्या, कि लोग एक ऐसे नेगेटिविटी में स्टक हो जाते हैं ना, खुद की नेगेटिविटी में, कि वो बाहर नहीं निकल पाते, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता. सो सिंपल भाषा में इसको डिप्रेशन बोलते हैं, कि पूरा एकदम बंदा नेगेटिव हो जाता है, बिल्कुल ही उनके माइंड में एक भी पॉजिटिव थॉट नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता. तो वो चीज़ों को हावी नहीं होना देना चाहिए, वही चीज़ का आपको ख्याल रखना है. ठीक है, तो एक सबसे पहली चीज़, एक जो टिप मैं आपको, मतलब एक एडवाइस दूंगी, वो ये है कि जब भी आप दुखी हो या बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, फिर भी कोई इंस्टेंटली एकदम से सब कुछ गायब नहीं होगा, है ना. तो एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना होता है हमको. हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भले फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती ना. कभी प्रॉब्लम्स अचानक से आती है, जाती है, लेकिन प्रॉब्लम्स को डील कैसे करें उसके साथ, वो हमारे ऊपर होता है, वो हमारे कंट्रोल में होता है. ठीक है, तो सबसे पहली एडवाइस मैं आपको ये बोलूँगी कि जितने भी लोग इस वक्त हैं या जो दुखी हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अबाउट टू के आप डिप्रेशन में जाने वाले हो, आप अकेले मत रहो. ऐसा एक तो फिल्मों में हमने बहुत देखा हुआ है कि मुझे अकेला रहना है, आई वॉन्ट टू बी यू नो आई वॉन्ट टू बी अलोन फॉर सम टाइम एंड ऐसा सब कुछ. तो रियल में भी ये लोग ऐसा ही करते हैं कि अकेले रहते हैं. आप अकेले मत रहो, आप किसी के साथ तो रहो ही, अपने फ्रेंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, कोई भी सिबलिंग, मतलब कोई भी जो आपके क्लोज है, जो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाए, आपको आपका माइंड को डाइवर्ट कर पाए, वो चाहिए. कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुद को वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, चाहे मैं आपको सिखाऊंगी या कोई और मेंटोर आपको सिखाएगा कि आप ये करो ये करो, इससे आपको अच्छा लगेगा, पॉजिटिव होगा, फिर भी कुछ ऐसा टाइम होता ना कि हम नहीं कर पाते हैं. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि हम नहीं कर पाते, कि हमको अच्छा फील नहीं होता, हम नहीं कर पाते. तभी दूसरों की हेल्प या सपोर्ट होना ज़रूरी होता है. तो आई एम श्योर आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा होगा ही जिसके साथ आप रह पाए, जो आपको मोटिवेट कर पाए, आपको सपोर्ट कर पाए, आपको थोड़ा यू नो ऐसे आपको थोड़ा कंसोल कर पाए. तो आपको अकेला नहीं रहना है, पहली चीज़ ये है, क्योंकि जितने आप अकेले बिल्कुल रहोगे ना, तो आपके माइंड में वही सब बहुत ज़्यादा और इकट्ठा होके जाएगा, एंड आप सच में पागल हो जाओगे आप अकेले रहोगे तो. ठीक है, तो अकेले मत रहो, किसी के साथ रहो, और उनको अपने अंदर का जो भी वो भरा है ना, आपके अंदर जो पेन है या जो भी है, वो भी उनको शेयर करो, ताकि वो आपको मोटिवेट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, वो आपको समझाएंगे, आपको फेथ देंगे, होप देंगे. तो ये पहली चीज़ आपको करनी है कि डोंट यू नो बी अलोन. ठीक है, जानबूझ के ऐसा नहीं करना है, किसी के साथ रहो, और डेफिनेटली आपको उससे हेल्प मिलेगी, आपका माइंड, आपकी एनर्जी थोड़े शिफ्ट होंगे. ठीक है, दूसरी चीज़ के जब भी आप अकेले हो, तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है.
आपको फ्री नहीं रहना, जब भी आप फ्री बैठेंगे रहेंगे ना तो आपको वही सब थॉट्स हैं आएंगे, आप और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो जब भी आप अकेले हो के, अब इस वक्त कोई है ही नहीं तो मैं किसके साथ रहूं, तो आपको बिजी रहना है। चाहे आप यूट्यूब में कोई मूवी देख लो, मतलब कुछ भी सर जिससे आपका माइंड उसके अंदर चला जाए पूरा, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये एक चीज़ भी आप कर सकते हो। उसके बाद दूसरी है जो टिप मैं आपको बताऊंगी, वो ये है कि आप लिखना स्टार्ट कर दो। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था कि जब भी बहुत ज़्यादा लो फील हो ना, ये वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा, कि जब भी आपको ऐसा फील हो ना, आप बस लिखना स्टार्ट कर दो, डियर यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, डियर यूनिवर्स प्लीज़ बी विथ मी, डियर यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, इस तरह से लिखना स्टार्ट कर दो विदाउट एनी काउंटिंग। काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, बस लिखते रहो जब तक आपको लाइट फील ना हो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, इससे भी आपको इंस्टेंटली आई एम श्योर आपको लाइट फील होगा, आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। बिकॉज खुद को किसी नेगेटिविटी में से बाहर लाना या कुछ भी करना, वो करना तो आपको ही पड़ेगा। चाहे कोई आपको कितना भी सिखाए या बताए कि ये करो टेक्निक करो, लेकिन करना तो आपको ही है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ों को आप थोड़ा करना, आपको डेफिनेटली अच्छा फील होगा, आपको यू नो आपका जो वो हैवीनेस है आपके मन की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप करना, आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आप और ज़्यादा स्टक हो जाएंगे आपकी नेगेटिविटी में, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करो, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना गाइस। आप मैजिक बुक पढ़ सकते हो, द पावर बुक पढ़ सकते हो, द सीक्रेट मूवी देख सकते हो, ठीक है। तो वो सब देखो ताकि आपका माइंड वापस से यू नो ट्रैक पर आए, ताकि आपकी नेगेटिविटी यू नो रिमूव हो। तो ये चीज़ आप करना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो बस यही चीज़ मुझे बतानी थी आज के इस वीडियो में। अब आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।